क्या कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है कि किसी व्यक्ति ने रात में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को छोड़िए, दिन में 2 बजे के बाद शिखर पर मौसम इतना जानलेवा हो जाता है कि व्यक्ति का ऑक्सीजन सिलेंडर भी उसका साथ नहीं देता। आपको कुछ भी करके 2 बजे से पहले एवरेस्ट पर चढ़ना होता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो आपको नीचे शिविर में लौटना होगा। इतना ही नहीं, एक बार 8000 मीटर ऊंचे क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपको तुरंत एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिलेंडर साथ होने के बावजूद भी प्रति मिनट हमारी कोशिकाएं एक एक करके लगातार मरने लगती है। अनजाने में आपके शरीर का छोटा सा हिस्सा यदि बाहरी वातावरण के संपर्क में आ जाए तो फ्रॉस्ट बाइट से आपकी डेथ हो सकती है। फ्रॉस्ट बाइट से ब्लड में थक्का बनने से हार्ट प्रोसेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जो क्लाइमर्स की मौत का कारण बनता है। क्लाइमर्स के ब्रेन में ऑक्सीजन का स्तर 40% से भी कम होने से उनमें निर्णय लेने की क्षमता लगातार नष्ट होती जाती है, और साथ ही डेथ जोन ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना तक बढ़ा देता है। ये सब कुछ 15 मिनट से भी कम समय के भीतर होता है। इतने खतरों के बावजूद भी जो लोग दृढ़ता से माउंट एवरेस्ट को फतह कर लेते हैं वो शिखर पर मौजूद स्वर्ग का आनंद लेने के हकदार होते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर से क्लाइमर्स 400 किलोमीटर दूर तक के नज़ारों को देख सकते हैं। एवरेस्ट के ऊपर से नॉर्थ वेस्ट दिशा में दुनिया की सबसे ऊंची नदी दूध कोसी दिखाई देंगी, जिसका उद्गम भी एवरेस्ट से ही होता है। नॉर्थ में 8516 मीटर ऊंचा माउंट लोटसे मौजूद है। पश्चिम में 26,000 फीट ऊंचा ब्यूटीफुल चो ओयू माउंटेन दिखाई देता है, और इस माउंटेन की घाटी में दुनिया की सबसे ऊंची झील चोला तशो को माउंट एवरेस्ट के शिखर से देखने का आनंद उठा सकते हैं। पश्चिम में 13,000 फीट ऊंचा पिंगबोचे नजर आएगा। इस गांव के मूल निवासी नेपाली शेरपा लोग हैं। प्रथम व्यक्ति टेंजिंग नोर्गे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो भी पिंगबोचे के निवासी थे। आप माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, नेपाल और चाइना की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, माउंट मकलू और असंख्य पहाड़ों की पूरी श्रृंखला को माउंट एवरेस्ट के शिखर से साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से जो सबसे सुंदर देखने लायक नजारा है वह खुम्बू ग्लेशियर है। यह माउंट लोटसे और माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है, जिससे नेपाल और तिब्बती नदियां उत्पन्न होती है। खुम्बू ग्लेशियर के बीच सागरमाथा नेशनल पार्क बसा हुआ है, जो हिमालयन वाइल्ड लाइफ घर है।